पिछले हफ्ते यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में बिना स्वेटर ठंड से ठिठुरते बच्चों पर बड़ी रिपोर्ट आपने देखी थी। रिपोर्ट चली, योगी सरकार की किरकिरी हुई, पर बच्चों को स्वेटर देने का वादा अब तक वादा ही है। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। जिंदाबाद। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के विरोध की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की हैं। इस विरोध के पीछे वजह योगी सरकार की वो योजना है जिसमें उन्होंने प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को ठंड की ठिठुरन से बचाने के लिए स्वेटर बांटने का वादा किया था। आधी ठंड गुजर गई, पर आरोप है कि योगी सरकार का वादा पूरा नहीं हो पाया। इसकी गवाह घंटी बजाओ की 29 दिसंबर 2017 को प्रसारित ये रिपोर्ट है जिसमें यूपी में सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्वेटर न मिलने की पूरी कहानी आपने देखी थी। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने अपनी रिपोर्ट के जरिए देश को बताया था कि बच्चों को स्वेटर देने के लिए टेंडर निकाला गया, दो कंपनियों को चुना गया, पर स्वेटर की सरकारी कीमत इतनी कम थी कि कंपनियों ने हाथ खींच लिए, टेंडर रद्द हो गया। इस पर योगी सरकार की किरकिरी हुई। तब उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्वेटर बांटने का पूरा जिम्मा स्कूल प्रबंध समिति को सौंप दिया, 6 जनवरी की तारीख तय कर दी। लेकिन मुजफ्फरनगर जिले के शिक्षक आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने एक पैसा तक खाते में नहीं डाला। गुस्सा शिक्षकों ने एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर विरोध जताया और अपना गुस्सा योगी सरकार तक पहुंचाया है। कोई पैसा ही नहीं किसी टीचर के खाते में नहीं है, किसी अधिकारी के खाते में। हमने पूछा मतलब कहाँ पैसे, हम स्वेटर खरीदे या ऊपर है। टीएम साहब कह रहे हैं कि स्वेटर बांटो, ऊपर से आदेश आ गया, पैसा नहीं रहा। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों में गुस्सा है, लेकिन मुजफ्फरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रकेश यादव 6 जनवरी को दावा करते दिखे कि स्वेटर बांटने का काम शुरू हो गया है और 15 दिन में पूरा हो जाएगा। 15 दिन का टारगेट रखा है, तो युद्ध स्तर पर अभियान चला करके नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए 15 दिन में बच्चों को स्वेटर बांटा जाएगा। लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के इस दावे को उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने सिरे से खारिज कर दिया। इस पूरे मामले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फजीहत से बचने के लिए योगी सरकार और उनके अफसर हर कोशिश कर रहे हैं, पर सच हर बार सामने आ रहा है। जिस पर जनता तो गुस्से में है ही, विपक्ष ने भी योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।